देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहला पॉइंट है व्हेन कैपिटल एसेट इज परचेज बाय एसेसी, पहला है केस जब आपने खरीदा है। लिखा है इन सच ए केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टेकन इक्वल टू द अमाउंट पेड बाय एसेसी फॉर एक्वायरिंग सच कैपिटल एसेट्स, उसको खरीदने में जितना पैसा आपने खर्च किया दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लिखा है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द नेचर ऑफ कमीशन ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट इज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ, अगर आप खरीदते समय कोई कमीशन दिया है ब्रोकर को वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ दी जाएगी। आगे लिखा है यदि कैपिटल एसेट्स को आपने एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट में कंपेयर कर लेना, जो क्या होगी ज्यादा होगी वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। सपोज करिए आपने 1997 में खरीदा है और तब खरीदा है आपने उसको 2 लाख में और 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख, तो दोनों में ज्यादा कौन सी है 5 लाख, तो 5 लाख उसकी क्या होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ में आ गई बात। दूसरा केस है बहुत इंपॉर्टेंट, जब कैपिटल एसेट्स आपको मिला है प्रीवियस ओनर से या तो गिफ्ट के थ्रू, विल के थ्रू या एचयूएफ का पार्टीशन के थ्रू या इसी तरह कोई और ट्रांजैक्शन में सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, तो इस स्थिति में यह बोला गया है इन सच अ केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टेकन इक्वल टू द अमाउंट पेड बाय प्रीवियस ओनर फॉर एक्वायरिंग सच कैपिटल एसेट्स, प्रीवियस ओनर ने जितना पे किया होगा उस एसेट्स को खरीदने के लिए, गिफ्ट देने वाले ने जितने में खरीदा होगा वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। आगे केस यही दिया गया है कि यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई है तो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट दोनों में जो ज्यादा होगी वही उसकी क्या होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है ना, डेट ऑफ एक्विजिशन के बारे में डिस्कशन हम सिंघानिया अप्रोच यानी के मंजुला शाह वाला है और ICI वाला है ना। तो अब ICI ने सुधार दिया है अपने आप को और उसने के मंजुला शाह के केस के साथ आ गया है, बॉम्बे हाई कोर्ट वर्सेस मंजुला जे शाह एक केस डिसाइड हुआ था और इसी के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं ICI वालों ने भी। इसमें यह बोला डेट ऑफ एक्विजिशन वही ली जाएगी जिस दिन को प्रीवियस ओनर ने खरीदा था, ना कि डेट देने वाले ने खरीदा था। जैसे मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट मिली तो डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन मुझे गिफ्ट मिली तब से नहीं लिया जाएगा, जब खरीदा था तब से डेट ली जाएगी। लेकिन ICI वाले ऐसा नहीं करते थे, वो क्या करते थे जब आपको गिफ्ट मिली तब से लिया करते थे, है ना। तो ICI वालों ने भी सुधार दिया है और अब के मंजुला जा शाह के साथ आ गए। नहीं, अब आपको इसी से करना है क्वेश्चन, ICI वालों ने भी अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने लगे। क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन लिखा होगा। आगे देखिए बोनस शेयर, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर देती है। तो बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी यदि आप 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी, और बाद में खरीदे हो तो फेयर मार्केट वैल्यू ही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी क्योंकि फ्री में मिलता है। हाँ जी, क्योंकि फ्री में मिलता है। राइट शेयर्स, राइट शेयर्स क्या होते हैं, जब कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है तो अपने पुराने शेयर होल्डर्स को ऑप्शंस देती है कि आप खरीद लो हमारे शेयर्स, तो आपका राइट होता है कि आप शेयर्स खरीद लो, दैट इज नोन एज राइट शेयर्स। सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, इसमें यह बोला है कि जितने में आपने वो असेट्स खरीदी है वही उसकी क्या होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी।
लेकिन 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है तो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट दोनों में जो ज्यादा होगी वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। समझ में आ गया?